वरिया कोई रिया जगदड़ से आया है, हजारों का विलाहा पैदल चल कर आया है। अरे यार जादूगर हे कहा तेरा घर, जगत माटी का ढेर, जगत माटी का ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशित आशीष ब्लॉग में। आज हमारे हैं निरुत्पल मृणाल जी, जो कि यूपीएससी की चुस्की पर वो उद्घाटन करने आए हैं और इलाहाबाद के बच्चों को अपनी कविता से भाव विभोर कर रहे हैं। और आप बने रहे इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और देखते रहिए आकाशित आशीष ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि निरुत्पल मृणाल जी आए हुए हैं, जिसको आप जानते हैं कि कवि, लेखक और ब्लॉगर और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि है। और आप उनको जानते हैं कि दोस्तों करीब 20,000 बच्चे आ चुके हैं पूरे इलाहाबाद के यहाँ पर निरुत्पल जी के कविता सुनने के लिए। जैसा कि बता दें दोस्तों, उनके YouTube पे जो है 1,00,000 से ज़्यादा उनकी फैमिली हो चुकी है, YouTube फैमिली हो चुकी है। और उनका जो वीडियो है वो प्रयागराज का जो वीडियो 15,00,000 से लोगों 15,00,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। प्रयागराज की धरती को प्रणाम आपके। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में जब कोई आदमी खड़ा हो तो उसको चाहिए कि वो जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास कहीं खड़ा हो तो वो छात्रों की शक्ति को इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कमरों में अगर डार्क फोर्स की किताब न गई होती तो शायद मुझे हिंदुस्तान में लोग इतना नहीं जाते। आज मैं हालांकि यहाँ जो मौजूद हूँ तो एक ऐसा संयोग है कि आपके शहर के 3 युवाओं ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया है यूपीएससी कैफे चुस्की के नाम से। मेरे यहाँ होने का बस यही एक बहाना है कि चूंकि अब इनके स्टार्टअप के साथ यूपीएससी लगा हुआ था, इनको लगा कि यूपीएससी का पंडा कौन हो सकता है जिसने अपने देवता प्रसन्न नहीं हुआ, इस संकल्प करवाता हूं खाली, पता हमसे हुआ नहीं यूपीएससी का। तो इनको लगा पंडा यही हो सकता है, बाकी लोग तो या तो सफल हैं या लगे हुए हैं, हम हो गए यूपीएससी का पंडा। तो इनको लगा भाई जब यूपीएससी के नाम से जुड़ा हुआ कुछ खोला जा रहा है इसी पंडा को पकड़ा जाए। और मेरा लालच था कि जो भी संकल्प में मिलेगा, अच्छा चावल जो मिले न मिले, आप लोगों के बीच जाने का मौका मिल जाएगा। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या सुनाया जाए, उसको तो जब आप तैयारी करने आए हैं तो एकदम निर्गुणी भाव से देखिए। अभी तो ऐसा है कि अब आप देख रहे हैं कि अब यूपीएससी के नाम से अब कैफे खुल गया है, बीबीए बीसीए के नाम से चाय दुकान खुल रहा है, डिप्लोमा वाला के नाम से धोबी मार्च खुल जाएगा। तो ये देखिए क्या ट्रेंड चल रहा है। लेकिन मैं इलाहाबाद कटरा में खड़ा हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस प्रांगण में खड़ा हूँ जहाँ की मेहनत का कोई सानी नहीं है इस पूरे मुल्क में। आपके दिमाग में कहीं ये स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। आपका काम है चाय पी के कॉपी किताब लेके समेत में निकल जाना। आपके दिमाग में सब नहीं घूमना चाहिए कि कहा हो कम करोगा बहाली के नाम से चाय देना खुली का। जगत माटी का ढेर,
सरकार। रही के दिन माथे पर है ताज, रही के दिन गर्दन बिन सरकार। रे माटी पकने को मांगे आग, उसी से तपे उसी से राग, उसी से तपे उसी से राग। एक दिन खत्म झमेला जगत माटी का ढेला हरे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला हरे, जगत माटी का ढेला हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाबा, अच्छा मैं जब तैयारी कर रहा था दिल्ली में तो मैं गीत ख्याल की दुकान पर खड़ा होकर गाता था। बहुत सारे लड़के ऐसे मिलते हैं जो आपको बताएंगे कि यार मेरा मेंस एकदम तैयार है, भयंकर रूप से तैयार है, बताएगा मतलब इतना तैयार है कि वो हमने पीछे पीछे घूमता है कचरा में, बाद में हम तैयार है। तो वो उसको पूछेगा देखकर क्या गाते हैं कि फर्स्ट सा। तो हमने हमने लिखा था भाई एक ऐसे ही भाई एक सखी है वो कह रही है कि ये सखी सैया सखी सैया तो मेंस में उस्ताद है, पीटी डायर खाए जाते और आप तो खैर इलाहाबाद में हैं, यहाँ का आपको बहुत तरह का मुखर्जी नगर का तो माया जो है कि छह बार बैठ गए पीटी में शान से, कहते हैं तीर अब छुट गया कमान से, अब थेटर इतने हैं तभी को न ल जाते हैं, पीटी डाइन खाए जाते हैं कि सखी सैया तो मिल्स में उतार। अच्छा आजकल तो ये भी हो गया है, ये तो आप लोगों ने कैफे, अभी आप तो युवा है आप लोग तो खैर चलते फिरते पढ़ते लिखते कैफे खोल दिए, लेकिन मैं ये चेतावनी देके जा रहा हूँ भाई, यहाँ के स्टार्टअप वाले युवाओं में बहुत जल्द कोचिंग वाला भी यही सब खोलेगा। बहुत गहरा बात आपको बताएं, एक साल और एक साल का रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद कोचिंग वाला भी यही सब खोलेगा और आपको बताएगा कि देखिए खाली तैयारी करने से नहीं होगा। वो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी बना के देगा, आप मोटिवेट हो जाइएगा, बोलेगा तैयारी कराने से नहीं होगा, इधर जब सीढ़ी से उतरिएगा कोचिंग से पढ़ के तो हमने बहुत फैक्ट को घोल के कुछ चाय बनाया है सर, है ना। वो लड़का जो बेचारा सेंट खरीदने निकलता है कटरा में लूसेंट खरीद के मैं ये गाना सुना के लिए एक माँ के लिए एक गीत सुना क्या है आप सब से मांग, हम सबसे माता ने आज जोत रखा होगा तेरे आंचल से छोटी है, तेरे आंचल से छोटी है, अरे बचपन में एक रुपया जिससे जो मांगा था, बचपन में एक रुपया जिससे जो मांगा था उसकी खन खन के आगे दौलत है। ओ माँ ये दुनिया रे तेरे आंचल से छोटी है, रे तेरे आंचल से छोटी है। अब वो गीत सुनाता हूँ मैं आप लोगों को जिस गीत ने मुझे पहचान दी और जिस गीत के कारण मैं दोबारा शायद यहाँ पे हूँ, नहीं तो यूपीएससी में भी पंडा कमी नहीं। हाँ कुछ लोग तैयारी करने आते हैं, कुछ लोग तैयार होने आते हैं। आज बढ़िया कोई रे आज गढ़ से आया है, हजारों का मिला हवा पैदल चल कर आया है, ए बाबूजी चिंता
से लड़ करवाया है कई गांवों का गुलमोहर साख से छड़ करवाया है हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चढ़ करवाया है की जा सकती है कि जम के पढ़ना और के लड़ना मेरे भी सपना ना टूटे इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे कि बुलंदी पर पहुंच जाओ और जब साहब बाबू बन जाओ कि बुलंदी पर पहुंच जाओ जब साहब बाबू बन जाओ सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ ये तब कोई यार मिल जाए पोलीपट के तब कोई यार मिल जाए पोलीपट के अरे रोना ना छूटे चाहे जन्नत भी मिल जाए लाल भर जो जो खाना छूटे इलाहाबाद के लड़कों तुमसे मौका ना छूटे इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे तुमसे ये मौका ना छूटे बहुत बहुत धन्यवाद रखना तुम अभियान लौट ना ले कर ही परिणाम जारी रखना तुम अभियान लौट ना ले कर ही परिणाम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आप सबों का और आपका भी आपने कम से कम इलाहाबाद को फिर से साक्षात्कार के दर्शन करने का अवसर दिया आपके इन शुभकामनाओं के लिए आपके हौसलों के लिए ये देख सकते हैं दोस्तों कितना धक्का मुक्की हो रहा है और ये निरोत्पल भैया है यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धक्का निरोत्पल मृणाल जी आए हुए हैं आज और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह जरूर बताएं और लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आकाश विद आशीष ब्लॉग तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उनका जो उपन्यास है डार्क हॉर्स और क्या नाम है कि डार्क हॉर्स और अवगढ़ जो उनका उपन्यास है तो उपन्यास है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है तो आज वो आए थे यहाँ पे उन्हें पढ़ने जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चाय के UPSC की चुस्की है यहाँ पे सभी लोग चाय पी रहे हैं इसको दोहराइएगा वहां पर धरना सब कि बिगड़ी के ले झुलना बबुआ हमारा हो बिगड़ी के ले झुलना बबुआ हमारा हो तू कर पर पीट कर ले ज्यादा बीसी सरकार